ये मछली पालन उत्पादन केंद्र है, ये तालाब है, ये देखिए इस प्रकार आर्टिफिशियल तरीके से मछलियों को तैयार किया जाता है। और ये पन्नी डली है, हाँ हाँ अंकल, इसमें कौन सा वैरायटी का? इसमें कतला वैरायटी है जी, इसमें कतला वैरायटी, ये वाले तालाब में कतला वैरायटी डली है। इसकी क्या खासियत होती है? ये मच्छी को रखना पड़ती है, ये साल में सिर्फ एक बार ही अंडे पे आती है, उम्र वाली मच्छी अंडे पे आती है। इसको कम से कम 3 साल की उम्र होना तो ये अंडे पे आती है। ये अंकल को 20 साल का एक्सपीरियंस है मछली पालन का, और इन्हें मछली पालन का डॉक्टर कहा जाता है। ये पूरा फार्म यही संभालते हैं। और ये मशीन दिख रही है, ऑक्सीजन गर्मी के दिनों में ऑक्सीजन देने का कार्य करती है। और ये सामने रखी है अभी। इस प्रकार मछली पालन आप करना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। ये देखो पूरा तालाब बना है, का रखाव भी सही तरीके से रखना पड़ता है ध्यान में। तालाब में अगर आप मछलियों को रखना चाहते हो और बिना पन्नी वाला तालाब बनाना चाहते हो, उसमें भी मछलियों को रख सकते हो। किस प्रकार रख सकते हैं अंकल जी? इसमें मछलियाँ जैसे कच्चे तालाब है जी, उसमें अपन चारों वैरायटी डाल सकते हैं, रेव नरेन, कामनकार, कतला, चारों वैरायटी। रेव मेरेन जो होती है उसमें क्या खासियत रहती है? उसमें क्या है, इनका सब का भोजन अलग अलग रहता है जी। सबसे नीचे रहता है कामनकार का भोजन, उसके बाद में रेव नरेन का आएगा, सबसे ऊपर कतले का भोजन रहेगा। और आप जैसे मछलियाँ लाते हो तो उसके बच्चे अगर उससे बीमार हो गए तो आप उसको कैसे देखते हो कि वो बीमार है या कुछ उसमें प्रॉब्लम है? उसको पकड़ के देखना पड़ता है इसमें क्या बीमारी आ रही है जी, उस प्रकार से पकड़ के उसका फिर हम उसका उपचार करते हैं, इलाज करते हैं। इसमें भी मतलब 1 से 2 साल की ट्रेनिंग लेना ही चाहिए अगर ये करना चाहते हो। ट्रेनिंग तो लेना पड़ेगी। और इसमें नुकसान क्या क्या होते हैं इसके? नुकसान गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है क्योंकि पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद में मछली ऊपर आती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, कई तरह के मतलब कारण होते हैं उसमें, बीमारियाँ भी आती है गर्मी के दिनों में। मछलियों में सबसे ज़्यादा बीमारी क्या आती है? इसमें फंगस हो जाती है। फंगस बहुत ज़्यादा आता है, हाँ, तो उसके लिए अपन क्या ट्रीटमेंट देते हैं? उसके लिए पोटेशियम है, फिर दवाइयाँ है 2-3 प्रकार की। दवाइयों जैसे क्या नाम? उसका बायोनेक्स है एक का, और एक का दूसरा नाम है मैं भूल गया जी। और जैसे अपन ने पन्नी लगे, अगर आप बिना पन्नी वाले तालाब में अगर अपन करना चाहें तो उसमें जैसे अपन करें तो उसमें मछलियाँ का बीज डाल देना चाहिए, उसके बाद बीज डाल दो और हफ्ते में 1-2 बार भोजन डाल दो। जैसे कम लागत में करना, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? जैसे कम लागत में छोटी तलाई उनमें कर सकते हैं, हाँ। और उसमें जैसे आप गोबर का क्या बता रहे थे मछलियों खाने के लिए? गोबर खाद है, हाँ, वो डाल सकते हैं। मूँगफली की दलिया है जी, फिर मक्के की घाट है, ये बना के मिश्रण करके हफ्ते में 2 बार डाल दो भोजन जी। और ये मछलियों का ब्रीडिंग भी करते हैं, ये मछली उत्पादन और बीज उत्पादन का कार्य भी करते हैं। बरसात के दिनों में बरसा पूरी जानकारी मिल जाती है जब हैचरी चलती है। इनके पास हैचरी भी बनी है और चाइना से जिन्होंने इम्पोर्ट की है, और बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा इन्होंने यूज़ किया है मछली पालन को। और अभी तो ये तालाब खाली पड़ा है, इसमें कुछ नहीं है, बारिश के दिनों में स्टार्ट करते हैं ब्रीडिंग का कार्य मछली उत्पादन का। धन्यवाद अंकल।